हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम बेंगलुरु में एक और वीडियो के साथ, क्योंकि हम आज बुक करने वाले हैं अपनी नई बाइक जो कि है हंटर 350। आइए अंदर चल के देखते हैं पूरी बुकिंग प्रोसेस कैसी होने वाली है। और ना सिर्फ बुकिंग प्रोसेस, बल्कि मैं आपको बुकिंग के साथ साथ ये भी बताऊँगा कि अपनी बाइक को कस्टमाइज़ कैसे करें, कस्टमाइजेशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है रॉयल एनफील्ड शोरूम के पास। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो हंटर 350 है वो काफ़ी लोकप्रिय बाइक है और आने के बाद इसकी बुकिंग पीरियड काफ़ी लंबी होती है, तो उस बुकिंग पीरियड को हम कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके लिए क्या ट्रिक इस्तेमाल करें जिससे आप अपनी बुकिंग पीरियड को कम कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक बने रहें, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आइए देखते हैं। यहाँ मैंने देखा बाइक के कुछ मिनिएचर मॉडल्स, आप देख सकते हैं क्लासिक 350 के, क्रोम वर्जन के और मीटियोर के, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा शोरूम में आपको अलग अलग मर्चेंडाइज भी अवेलेबल है, बेल्ट्स, टी शर्ट्स, ग्लव्स, हेलमेट्स, जैकेट्स, सब कुछ अवेलेबल है। आइए बात करते हैं बुकिंग प्रोसेस के बारे में। वैसे तो मैं ऑनलाइन भी बाइक बुक कर सकता था, पर मैंने शोरूम आकर बुक करना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि मैं टेस्ट ड्राइव भी ले पाया और उसके अलावा मुझे एक सेल्स पर्सन मिल गया जिससे मैं आगे चल के अपडेट ले सकता हूँ अपनी बाइक के बारे में। तो ये देखिए गाइज, आ गई है हमारी हंटर 350 और हमें चूज़ करना है डैपर ग्रे। जी हाँ गाइज, मैं ले रहा हूँ डैपर ग्रे हंटर 350 और बाइक का लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है। मुझे ये बाइक बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी, क्योंकि ये सारे लेटेस्ट फीचर्स के साथ लैस है और रॉयल इनफील्ड का भरोसा तो है ही। अगर हम बात करें इसमें कस्टमाइजेशंस की, तो कंफर्ट लेवल पे मुझे सबसे पहले चाहिए था एक ट्रिपल नेविगेशन, लेकिन मुझे पता चला कि वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप चाहें तो उसे सर्विस सेंटर से भी बुक करा सकते हैं, जिसमें कि अगर आप बुक कराते हैं तो आपको 30 से 45 दिन का टाइम लगता है उसे आने में। उसके अलावा आप सीट्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपके पास बेंच सीट्स के ऑप्शन हैं। उसके अलावा आप बैकरेस्ट लगवा सकते हैं और बैकरेस्ट का लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है लगने के बाद, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और पैसेंजर के लिए भी काफ़ी आरामदायक होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की, तो इसमें आ जाता है आपको इंजन गार्ड, जो कि दो ऑप्शंस में अवेलेबल है, एक लॉन्ग वाला और एक शॉर्ट वाला। मुझे ये लॉन्ग वाला काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जिसका लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिकेटर्स की, तो नॉर्मली आपको कंपनी बल्ब इंडिकेटर्स देती है, मगर आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इन एलईडी इंडिकेटर्स को भी लगवा सकते हैं और इनका लुक कुछ इस तरीके का आता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसमें आपको दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक ये वाला और एक ब्लैक वाला, तो आप जो चाहें वो लगवा सकते हैं। मैंने पर्सनली ये ब्लैक वाला चूज़ किया, क्योंकि ये मेरे बाइक के कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा और बाइक का लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है। बात करें अगले कस्टमाइजेशन की, तो इंजन की प्रोटेक्शन के लिए आपको सम गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक सिल्वर कलर में जो कि इस तरीके का दिखता है, और दूसरा है ब्लैक कलर का जो कि इस तरीके का दिखता है। मैंने पर्सनली ब्लैक वाला चूज़ किया और इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। देखिए गाइस, ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और साथ ही साथ आपके इंजन की प्रोटेक्शन भी हो जाती है। इन मॉडिफिकेशंस को आप बाइक आने के बाद भी करा सकते हैं, पर शोरूम पे आकर के आप देख सकते हैं कि आपके बाइक में ये सारी चीज़ें फिट होने के बाद आपकी बाइक का लुक किस तरीके का आएगा। अब बात कर लें प्राइसिंग की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ों का प्राइस मेंशनड है, जो भी हमने मॉडिफिकेशन कराया था इनकी इंडिविजुअल प्राइसेस लिखी हैं। बात करें अगर हम एक शोरूम प्राइस की बाइक की, तो 162,755 रुपये पड़ जाता है। बात करें आरटीओ की, तो 33,000 रुपये आरटीओ है बेंगलुरु में, और बात करें इंश्योरेंस की, तो वो पड़ जाएगा 10,577 रुपये का। बात करें पैसेंजर रेस्ट की, तो 1,050 रुपये का पड़ता है, और इसमें अगर आप पैड लगवाना चाहें तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है।
बात करें अगर आप लार्ज इंजन गार्ड की तो 3300 रुपये प्राइस पड़ता है उसका, और सम गार्ड का भी 3300 रुपये पड़ता है। इसके अलावा अगर आप सीट्स या इंडिकेटर्स मॉडिफाई करवाना चाहें तो दोनों का 4500 रुपये ईच पड़ जाता है। तो मैंने जो मॉडिफिकेशंस चूज़ की हैं उसके हिसाब से मुझे लमसम 10,000 रुपये का ये मॉडिफिकेशंस पड़ जाएगा। और अगर बाइक की बात करें इन मॉडिफिकेशंस को हटा के, मेरा मतलब है एक शोरूम कीमत और RTO और इंश्योरेंस, तो पड़ जाता है 2,06,000 रुपये आइए गाइज अब बात कर लेते हैं उस ट्रिक के बारे में जिससे हम अपने बाइक की वेटिंग पीरियड को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें रॉयल इनफील्ड आपको दो ऑप्शंस देते हैं, या तो आप सीट्स को कस्टमाइज़ कर लें या फिर आप इंडिकेटर्स को कस्टमाइज़ कर लें। अगर आप सीट्स को कस्टमाइज़ करते हैं तो आपको ऑप्शंस मिलता है ये नॉर्मल कुशन सीट्स को हटा करके आप बेंच सीट्स भी लगवा सकते हैं जिसका लुक कुछ इस तरीके का आता है और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया इसका प्राइस आपको 4500 रुपये पड़ जाएगा। इसके अलावा आप इंडिकेटर्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिसमें कि आपको मेटालिक फिनिश में, सिल्वर क्रोम फिनिश में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं LED में, या फिर आप ब्लैक शाइनिंग फिनिश में भी इंडिकेटर्स ले सकते हैं, उसका प्राइस भी आपको 4500 रुपये पड़ जाएगा। मैंने पर्सनली ब्लैक वाला चूज़ किया है क्योंकि वो डार्क ग्रे के साथ काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको बाइक 15 से 20 दिन में मिल जाएगी और आपको एक या दो महीना वेट नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं लोन और EMI के बारे में। तो मैंने लोन लिया था 1,66,852 रुपये का और इंडसइंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम था जो कि था 8%। 2% की ये प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं और जो डाउन पेमेंट मुझे करना पड़ा वो था 45,000 रुपये का, जिसमें से आज मैं करने वाला हूँ 20,000 रुपये की डाउन पेमेंट और बाकी के 25,000 जो है वो मैं बाइक के आने के बाद पेमेंट करूँगा। और बात करें अगर EMI की तो मुझे 8,415 रुपये की EMI बनी 23 महीने की क्योंकि मैंने लोन 2 साल के लिए ऑप्ट किया था। और बात करें अगर डॉक्यूमेंट्स की तो आपको चाहिए ID प्रूफ में एक आधार कार्ड, एक बैंक स्टेटमेंट जो कि 3 महीने का होना चाहिए, ब्रॉडबैंड बिल, आपका एक फ़ोटो, एक कैंसल्ड चेक। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा और मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं बहुत जल्दी मिलूँगा आपको अगले वीडियो में जब मेरी बाइक शोरूम आ चुकी होगी, मैं आपसे सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।